Welcome to another session of Security Operations and Housekeeping in Retail. Today, we will be discussing about housekeeping. Material handling in housekeeping. तो effective housekeeping में क्या फायदे होते हैं? हमारे जो भी workplace हैं, वो साफ सुथरे रहते हैं, किसी को चोट लगने का खतरा नहीं रहता, किसी के जैसे कुछ गिर गया, कोई पिसल गया, ऐसे कोई खतरा नहीं रहता. सो इफेक्टिव हाउसकीपिंग कैन एलिमिनेट सम वर्कप्लेस हजार्ड्स एंड हेल्प गेट अ जॉब डन सेफली एंड प्रॉपरली. तो पुअर हाउसकीपिंग, अगर ढंग से हम साफ ना रखें तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. जैसे आपके पेपर कुछ टुकड़े पड़े हों, कचरा पड़ा हो, स्पिल्स हो, तो ये हेल्थ और सेफ्टी हजार्ड्स, इसके लिए भी दिक्कतें लेके आ सकते हैं. तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्शन के लिए, डस्ट और डर्ट हटाने के लिए और सर्फेसिस को मेंटेन करने के लिए. सो द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म्स सच एज पाउडर, लिक्विड और स्प्रे फॉर्म. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्लीनिंग टास्क, द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ वेरियस हाउस होल्ड केमिकल्स में डिफर. तो कॉमनली यूज आपके हाउस होल्ड केमिकल्स होते हैं अपने फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, आपके अवन को क्लीन करने के लिए, लाइम स्केल रिमूवल के लिए, ड्रेन क्लियरिंग के लिए. तो हाउसकीपिंग जो है वो एक टर्म रिटेलिंग में यूज की जाती है. फ्लोर्स पॉलिश हैं कि नहीं, कार्पेट्स क्लीन हैं कि नहीं, डिस्प्लेज आपके साफ सुथरे हैं कि नहीं. तो ये इंडोर क्लीनिंग एज वेल एज आउटडोर काम, इन सब के लिए इसके टर्म है. जहाँ पे आप इंडोर क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग विंडोज भी करते हैं, डोरमैट्स भी साफ रखते हैं. तो स्टोर क्लेनलीनेस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटेल का. कस्टमर्स चाहते हैं कि वो एक साफ सुथरे स्टोर में शॉपिंग करें और उनका जो सामान है जो वो खरीद रहे हैं वो भी अच्छा साफ सुथरा हो, अच्छे क्वालिटी का हो. तो डर्ट एंड ट्रैश एक रिटेल फ्लोर के सेल्स फ्लोर पे उसके लिए कोई जगह नहीं है. और गंदी खिड़कियां, गंदे दीवारें, काउंटर्स, इस सबसे लोगों को खरीदने को मन नहीं करता है. इसीलिए हाउसकीपिंग आपकी हमेशा चलती रहती है. तो हाउसकीपिंग में आपका क्या क्या काम है? इंक्लूड्स कीपिंग वर्क एरियाज नीट एंड ऑर्डरली, मेंटेनिंग हॉल्स एंड फ्लोर्स फ्री ऑफ स्लिप एंड ट्रिप हजार्ड्स, तो किसी को चोट ना लगे, सब साफ सुथरा रहे, वेस्ट मटेरियल्स को हटाना और फायर हजार्ड्स को भी हटाना. यहाँ पे ध्यान हमें देना पड़ता है लेआउट ऑफ द होल वर्क प्लेस, आइल मार्किंग एंड द एडिक्वेसी ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मेंटेनेंस. तो गुड हाउसकीपिंग, इससे हम एक्सीडेंट और फायर भी प्रिवेंट कर सकते हैं. साथ में आजकल के कोविड सिचुएशन में हमारे हाउसकीपिंग में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि सब कुछ सैनिटाइज है कि नहीं. गुड सेफ्टी हाउसकीपिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज इन एनी टाइप ऑफ वर्क एनवायरमेंट. तो ऐसे आप गुड सेफ्टी हैबिट्स अगर आप रखें और अपने वर्क एनवायरमेंट के बारे में अवेयर रहें, तो जो भी हजार्ड्स है वो हम अवॉइड कर सकते हैं और एम्प्लॉयज के लिए एक सेफ वर्किंग प्लेस भी हो सकता है. तो इफेक्टिव हाउसकीपिंग के फायदे क्या हैं? इफेक्टिव हाउसकीपिंग रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग हैंडलिंग टू ईज द फ्लो ऑफ मटेरियल्स. आपके सामान का इधर से उधर ले जाना आराम से हो जाता है. फ्यूअर ट्रिपिंग एंड स्लिपिंग एक्सीडेंट्स इन क्लटर फ्री एंड स्पिल फ्री वर्क एरियाज, तो चोट लगने का खतरा कम होता है क्योंकि सामान आड़े नहीं आता है. डिक्रीज फायर हजार्ड्स, आग लगने का खतरा कम होता है. लोअर वर्कर एक्सपोजर्स टू हजार्डस सब्सटेंसेस, तो लोगों को डस्ट, वेपर्स, ऐसे सब चीजों से बच सकते हैं. बेटर कंट्रोल ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड सप्लाईज, तो सब चीजें अच्छे से मेंटेन हो सकती है और इक्विपमेंट भी अच्छे से साफ सुथरे रख सकते हैं. साथ ही में हाइजीनिक कंडीशंस हो तो हेल्थ इंप्रूव होता है, आपका स्पेस अच्छे से यूज होता है, रिड्यूस प्रॉपर्टी डैमेज होता है क्योंकि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहते हैं तो चीजें या आपके एरिया तोड़फोड़ में कम जाता है, और लेस जेनिटोरियल वर्क, ज्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती अगर आप हमेशा सफाई करते रहे. इम्प्रूव मोरल, अगर साफ सुथरी जगह में रहें तो आपका मनोबल भी अच्छा रहता है. एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, आपका जो भी टूल्स एंड मटीरियल्स हैं वो भी आपको सही जगह पे मिलते हैं. तो हाउसकीपिंग टास्क जो है उनके नंबर ऑफ एरियाज हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन कंट्रोल, आपके डैमेज अवॉइडेंस, फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, सेफ सिक्योर स्टोरेज सिस्टम्स, रेगुलर इंस्पेक्शन, स्टॉक कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस,
एंड स्टॉक कीपिंग एंड स्टोरेज ऑफ हाउसकीपिंग इक्विपमेंट, तो मेंटेन करना है उसका। तो ये सारे अलग अलग आपके एरियाज रहते हैं हाउसकीपिंग के, और हाउसकीपिंग टास्क आपके रहते हैं जैसे वैक्यूम क्लीनिंग करना, पेंटिंग करना, वीडिंग करना, आपके गार्डन्स वगैरह क्लीन रखना, मेंटेनेंस करना, पेंट वेंट करना, सफाई रखना और वेस्ट रिमूवल, सारा कचरा भी साफ रखना। अब हम बात कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग की। मटेरियल हैंडलिंग है एनी ट्रांसपोर्टिंग और सपोर्टिंग ऑफ अ लोड बाय वन और मोर वर्कर्स। तो ये लिफ्टिंग, होल्डिंग, पुटिंग डाउन, पुशिंग, पुलिंग, कैरिंग, मूविंग ऑफ अ लोड, ये सब कर सकते हैं। सो व्हाइल हैंडलिंग द मटेरियल वन शुड एंश्योर दैट द मटेरियल इज स्टैक्ड सिक्योरली, ब्लॉक्ड और इंटरलॉक। तो जो भी सामान रखा है वो अच्छे से रखना है ताकि वो गिरे नहीं, किसी को चोट ना लगे। सारे स्टोरेज एरियाज को मार्क करना होता है और सारे वर्कर्स को समझ में आना चाहिए कि मटेरियल स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रोसीजर है क्या। मटेरियल्स को उन एरियाज में स्टोर करना है जहां पे ये इंटरफियर ना करे विद वर्कर्स और द फ्लो ऑफ मटेरियल्स, एंड हजार्डस मटेरियल जो है उसको सही जगह पे स्टोर करना है जहां पे कहीं आग ना लगे, कुछ किसी को हानि ना पहुंचे। और जो ये काम करते हैं उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो इक्विपमेंट है, जो भी हम मशीन यूज कर रहे हैं, वो सही वर्किंग कंडीशन में हो, उसके गार्ड या सेफ्टी फीचर्स सब साथ में हो, और जो भी काम करते हैं उसके जो भी इक्विपमेंट है उसको चेक करते रहना है फॉर वेयर एंड टेयर, लीकिंग के लिए, और उसकी भी साफ सफाई करके रखनी है। तो जो एरिया है हमें उसको टाइडी, क्लीन एंड सेफ तरीके से रखने से हमारे स्टोर का इमेज भी पॉजिटिव रहता है और साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे कस्टमर्स और जो भी आते हैं हमारे स्टोर में वो खुशी से शॉपिंग करके जा सकते हैं। सो मेंटेनिंग द वर्क एरिया इन अ टाइडी, क्लीन एंड सेफ वे रिफ्लेक्ट्स अ पॉजिटिव स्टोर इमेज एंड हेल्प्स क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट इज प्लेजेंट फॉर ऑल कस्टमर्स एंड कंड्यूसिव टू सेल्स। तो रिटेल स्टोर्स जो हैं वो अलग अलग स्टोर के साइजेस होते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, कई छोटे छोटे स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, कोई बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं। तो हर जगह के हाउसकीपिंग पॉलिसीज और प्रोसीजर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो वहाँ जो काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स, उनको मालूम होना चाहिए वहाँ की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या हैं एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ताकि स्टोर हमेशा अच्छा दिखे और उसका एक सही इमेज कस्टमर्स की तरफ दिखे। तो हमारे अलग अलग एरियाज रहते हैं स्टोर में जहाँ हमें ध्यान देना होता है। एक तो है हमारा पॉइंट ऑफ सेल एरिया, काउंटर्स जहाँ पे हम चलते हैं, कस्टमर्स चलते हैं, वॉकवेज एंड आइल्स, हमारे मर्चेंडाइज जो हम सामान रखते हैं बेचने के लिए, फिटिंग्स एंड फिक्स्चर्स, जो भी हमारे शेल्स हो गए, रैक्स हो गए, कोई भी कवर्ड्स हो गए, शोकेसेस हो गए, स्टोर रूम्स जहाँ पे हम सामान स्टोर करते हैं, फिटिंग रूम्स जो हमारे ट्रायल रूम्स हैं, और रिसीविंग डॉक्स जहाँ पे हम सामान रिसीव करते हैं। तो हाउसकीपिंग मटेरियल्स जो हैं हमारे, उनको सारे हमें अच्छे से स्टोर करना होता है ताकि किसी और को उससे हानि ना पहुंचे। तो क्लीनिंग इक्विपमेंट अलग अलग स्टोर में अलग अलग हो सकता है, पर ज्यादातर इक्विपमेंट रहता है आपके मॉप्स, पोंछे, बाल्टियां, बकेट्स, ब्रूम्स, झाड़ू, कपड़ा, क्लॉथ्स, डस्टर्स, झाड़न, आपके बिन्स, डस्टबिन्स, आपके ब्लेड, स्प्रे, विंडो क्लीनर, कोई भी क्लीनिंग केमिकल्स, आपके फ्लोर पॉलिशर्स, आपके हजार्ड वार्निंग साइंस, आपके वहाँ पे साइंस लगा सकते हैं आप कि वेट फ्लोर या बी केयरफुल स्पिल्स, डस्ट पैन्स एंड ब्रशेस, लैडर्स, ट्रॉलीज और वैक्यूम क्लीनर्स। तो क्लीनिंग केमिकल्स जो होते हैं वो हजार्डस होते हैं, तो उसके ऊपर लेबल लगे रहना होता है, और साथ ही में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उस पर गार्ड्स हो सकते हैं कि जो उस पर काम कर रहे हैं वो बचे रहें। तो इक्विपमेंट जो है उसको कभी भी बिना गार्ड के उसको यूज नहीं करना है, और मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस को भी इस्तेमाल करते हुए काम करना है। सो व्हाट शुड योर एम्प्लॉयज नो बिफोर हैंडलिंग एंड स्टोरिंग मटेरियल्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। पोटेंशियल हजार्ड्स क्या होते हैं फॉर वर्कर्स, वो भी हमने डिस्कस किया है, और जो इक्विपमेंट्स है वो कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस किया है, हाउसकीपिंग एक्टिविटीज के लिए क्या इक्विपमेंट यूज हो रहा है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, फाइव इक्विपमेंट जो रूटीन हाउसकीपिंग में यूज हो रहा है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो हमने सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, हमारे इक्विपमेंट क्या क्या रहते हैं, ये हम अपने किसी रिटेल आउटलेट से भी पूछ सकते हैं। तो हाउसकीपिंग जो है वो एक ऑनगोइंग टास्क है, एंड इफेक्टिव हाउसकीपिंग कैन एलिमिनेट सम वर्कप्लेस हैजार्ड्स। और जो आपके हजार्डस मटेरियल्स होते हैं
उन्हें आपको अप्रूव कंटेनर्स में रखना है, अवे फ्रॉम इग्निशन सोर्सेस, आग लगने के खतरे से बचा के रखना है. एंड गुड हाउसकीपिंग कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हजार्ड्स एंड एक्सीडेंट. और मटेरियल हजार्डस तब होता है जब वो किसी के पर्सन के हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है. तो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट बिटवीन ऑफ मटेरियल बिटवीन टू और मोर पॉइंट इज मटेरियल हैंडलिंग. आपके जो मटेरियल हैंडलिंग है उसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं? इन व्हाट फॉर्म विल द प्रोडक्ट बी, हाउ विल द प्रोडक्ट बी हैंडल, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट इज नीडेड टू हैंडल द प्रोडक्ट, ये सारे मटेरियल हैंडलिंग से रिलेटेड है. बट हाउ मच इज द प्रोडक्ट वर्थ नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर हाउस कीपिंग, स्कूल एडमिशन, हूवर या वैक्यूमिंग ऑफ द फ्लोर, परचेज ऑफ मटीरियल या सेल ऑफ फ्लैट. यहाँ पे हाउस कीपिंग है, हूवर द फ्लोर. Which of the following would you check if a material is considered hazardous? उसका लेबल आप चेक करेंगे, उससे ही आपको पता चलेगा कि वो hazardous है कि नहीं. और ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे इधर आंसर्स दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं. इसके साथ ही हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स देखे, hazardous, non-hazardous materials क्या होते हैं वो भी डिस्कस किए. इसके बाद आपका जो सेशन आ रहा है प्रोसीजर इन हाउसकीपिंग, ये वाला सेशन आपका इस बारी थियोरी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, पर इसकी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए. तो हम डिस्कस कर लेते हैं हाउसकीपिंग में हमें क्या करना होता है. तो अ क्लीन प्लेस टू वर्क इज नेसेसरी फॉर सेफ्टी, गुड हाउसकीपिंग इज पार्ट ऑफ योर जॉब. तो आपको पूरा एरिया अच्छे से रखना है ताकि किसी को चोट ना लगे. तो कुछ भी गिरे तो उसे उसी टाइम पहुंच देना है, कुछ भी कचरा पड़ा हो तो उसको साफ करना है, और जो भी आपका कचरा है आपके आसपास के एरिया में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको साफ करिए ताकि जो आपके बाद आए उसको भी साफ एरिया मिले. मशीन को साफ रखना है, रेस्ट रूम्स को साफ रखना है, कोई भी एरिया है आपके फोकलिफ्ट कैब एरिया उसको साफ रखना है, आपके शिफ्ट के एंड में अपने गार्बेज कैंस को एम्प्टी करना है, कंप्यूटर साफ रखने हैं, ऑफिस एरिया साफ रखना है, स्टेयरवे साफ रखने हैं, रास्ता क्लियर रखना है चलने के लिए, और कोई भी तारे हैं उसको बीच में नहीं रखना है, और सेफ्टी आई वॉश फाउंटेन्स, शार्स, ये सारे एरियाज भी क्लीन रखने हैं, लॉकर एरिया भी साफ रखना है, डेस्क एंड फाइलिंग कैबिनेट्स, कंप्यूटर एरिया, प्रिंटर एरियाज, ये सब साफ रखना है. एंड क्लीन एज यू गो, जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे वैसे साफ भी रखते जाइए. तो एक सेफ शॉप है वो क्लीन शॉप होता है. तो 5 की पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं कि क्लीन, सेफ, अनक्लटर्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कस्टमर फ्रेंडली. तो ये 5 पॉइंट अगर हम ध्यान रखें तो हमारा एरिया साफ रहेगा. और वेस्ट रिमूवल एंड डिस्पोजल का भी यहाँ पे डिस्कशन है कि पैकेजिंग मटेरियल्स, रबिश, ब्रोकन या डैमेज मर्चेंडाइज, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, इन सबको हमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये जो भी है ये हमारे कचरे में अगर जाए तो कैसे इसके साथ डील करें. और जो रिटेलर अगर खाने पीने के सामान से डील करते हैं तो फूड सब्सटेंसेस, फैट्स, ऑयल्स, इनको भी बहुत ध्यान से डिस्पोज करना है कि कहीं भी कुछ भी आग ना लगे या किसी को चोट ना पहुंचे. तो जब हम जनरल वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो करेक्ट लिफ्टिंग टेक्निक्स यूज करने हैं, ग्लव्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है, और जो भी कचरा है वो कस्टमर के सामने नजर नहीं आना चाहिए, और स्टोर के पॉलिसी के हिसाब से उसकी मेंटेनेंस या रिसाइकलिंग करनी चाहिए. तो जितना हो सके हमें एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेस्ट डिस्पोजल प्रोसीजर्स यूज करने हैं. तो हमें कोशिश ये करनी है कि कम से कम वेस्ट हो, जितना हो सके रिसाइकल और रीयूज हो. तो ये आपके इसके साथ ही यूनिट 4 खत्म होता है. आपने ये डिस्कस कर लिया है, होप आए सबको आज अच्छे से समझ आया होगा. और जो भी आपके इसके बारे में क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए.